सिंगरौली में बैढ़न कोतवाली पुलिस टीम ने सीसीटीएनएस कार्रवाई में प्रदेश के 52 जिलों में पहला स्थान प्राप्त किया है। कोतवाली पुलिस ने यह सफलता 96.41% अंकों के साथ हासिल की, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली पुलिस को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। बैढ़न कोतवाली पुलिस टीम ने सीसीटीएनएस कार्रवाई में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त कर सिंगरौली जिले का नाम गौरवान्वित किया। टीआई अरुण पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सभी मामलों में 100% अंक हासिल किए। कोतवाली पुलिस ने यह उल्लेखनीय सफलता 96.41% अंकों के साथ हासिल की। सफलता अपराध विवरण, गिरफ्तारी, जब्ती पत्रक, अज्ञात मृतक के फोटो अपलोडिंग केस डायरी, फीडिंग गुम इंसान फोटो अपलोडिंग FIR में MLC समन वारंट में 100 में 100 अंक प्राप्त किए। वहीं गुम इंसान की दस्तयाबी में 100 में 72 अंक प्राप्त हुए। इस सफलता पर कोतवाली पुलिस को SP वीरेंद्र सिंह द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। निश्चित रूप से ये गौरव का काम है और थाना बैढ़न कोतवाली ने इस जिले को भी गौरवान्वित किया है। बड़ा ही श्रम साध्य काम है, क्योंकि इसमें हर चीज़ों को बड़े ढंग से और बड़ी संजीदगी के साथ में बड़े संवेदनशील होकर के इसमें प्रपत्रों को लोड करना पड़ता है, अपग्रेड अपलोड करना पड़ता है सिस्टम में। तो निश्चित रूप से उनकी टीम, उनके जो ऑपरेटर्स हैं वो, और ये टीम वर्क है और सब टीम ने अच्छा काम किया होंगे, मैं बधाई देता हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।